भाई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक रात में पढ़ के किसी को पास होते मैंने तो नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो मैंने PhD कर ली होती, कोई फायदा नहीं। हा? क्या फायदा बबलू पापा, हार मान के भी तो कोई फायदा नहीं होगा। यदि हमारे पास एक ही रात का समय है तो यही सही, हम पूरा प्रयास करेंगे और उत्तीर्ण होंगे, हार नहीं मानेंगे। अरे ठीक है नहीं सुननी तो मत सुनो, अपने कान से कान रखो। चलिए प्रभु तो पढ़ाई का प्रारंभ करें। अवश्य। अरे सारे बच्चे यहीं सो गए। ओ भैया एक बात पूछें, ये सारे बच्चे तो यहीं सो गए और आप इतनी जल्दी उठ गए। बिंदिया बहन, अगर सोएंगे तो उठेंगे ना। प्रभु रात भर अभ्यास कर रहे थे तो हम भी उनके साथ बैठकर अभ्यास कर रहे थे, हम सोए नहीं, उत्तीर्ण होना है ना। ओ भैया एक बात पूछें, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आप आज जरूर सफल होंगे। विद्या बहन, यदि आपकी शुभकामनाएं और इन बच्चों का प्यार हमारे साथ रहा तो हम अवश्य सफल होंगे। धन्यवाद। अच्छा हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। जी। हम हैं गुलबुल पांडे, आप हमें तो जानती हैं लेकिन इनको नहीं जानते हैं। ये है हमारे एक्सपर्ट्स, तो ये हमारे एक्सपर्ट्स आपके चहेते टीचर यानी कि यम जी और गुप्ता जी का इंटरव्यू लेंगे। मामा जी। हेलो सर। मामा जी। जी। अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप करोगे ना? क्या बात है शिखा पुत्री। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप करोगे, मना नहीं करोगे। हमने आज तक किसी भी चीज के लिए मना किया है आपको? प्रॉमिस बोलिए। थैंक यू। एक सेकंड। ये मामा जी ब्लूटूथ डिवाइस है। हाँ शिखा पुत्री हम तो जानते हैं, ये नील दंत यंत्र है, दूरभाष से बात करने में काम आता है। लेकिन आप ये हमें क्यों दे रही हो? क्योंकि सर जब वो कोई सवाल पूछेंगे अगर उसका जवाब आपको नहीं आता है तो हम इस ब्लूटूथ के जरिए आपको बता देंगे। मामा जी प्लीज मना मत करिए ना, आपने हमें प्रॉमिस किया है। हाँ और यम मामा जी को तो हम मना नहीं सकते, तो आपको हमारी बात माननी होगी। प्लीज मामा जी प्लीज। प्लीज सर प्लीज मान जाइए, प्लीज हमारे लिए, इस कॉलेज के लिए। हाँ। यम सर के लिए। हाँ। किंतु रोहित पुत्र चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शिखा पुत्री रोहित ब्रो, समय आ गया है कि आप हमें आंग्ले भाषा में वो कहे ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मामा जी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। चले चित्रगुप्त जी। प्रभु ऑल द बेस्ट। चित्रगुप्त जी धन्यवाद। चलिए विजयी होकर आते हैं। चलिए प्रभु आइए। ऑल द बेस्ट सर। आई होप कि आप लोग पढ़ाई करके आए होंगे। जी हम सारी किताबें पढ़ के आए। गुड, वेरी गुड। लेकिन ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना, वो आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछेंगे,
वो सारे सब्जेक्टों के बारे में पूछेंगे जिनका ज्ञान होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं आपका इंटरव्यू। जी या थैंक यू, ओवर टू यू सर। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। देखा आपने पृथ्वीवासियों की नादानी, इन्होंने देवताओं को भी ज्ञान की परीक्षा देने पर विवश कर दिया। नारायण नारायण। नारद जी, हर युग में जब भी कोई परिस्थितियां बदलने की ठान ले उसे कई परीक्षाओं से गुजरना, चाहे वो मनुष्य या स्वयं यमराज, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की परीक्षा में मनुष्यों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नारायण नारायण। रोहित, आवाज आ रही है? हाँ शिखा, साफ साफ आवाज आ रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं आप सब संभाल लूंगा, सब संभाल। ओके सुपर, मामा जी तुम्हें ब्लूटूथ से सुन रहे होंगे। ओके तैयार रहना, मैं चाहती हूँ कि मामा जी का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। ओके फिकर नॉट, 91% वाले शिखा ऑसम। रोहित के होते यम सर चित्रगुप्त सर आज कहीं नहीं जाने वाले। ओके पांच सवाल, आप लोगों के पास पांच सवाल है, न चार न छह, और इन पांचों सवाल में से एक भी सवाल का जवाब आप लोगों ने गलत दिया तो हम आपको होनररी डिग्री नहीं दे पाएंगे और आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा नहीं पाओगे। आर यू रेडी? ओया, आपके सभी सवालों के लिए हम तैयार हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं एग्जाम लेकर गुलबुल पांडे का नाम। हाँ तो रेडी, सबसे पहला प्रश्न पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट श्रीमान चतुर्वेदी जी। मिस्टर यमराज, मिस्टर चित्रगुप्त, आप बताएं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भार किसका है, यानी पृथ्वी में सबसे ज्यादा भारी चीज क्या है? हाँ, सबसे ज्यादा भार दुनिया में मामा जी का है, हमसे पूछते एक सेकंड में बता देते। ओहो, लगता है यम जी और गुप्ता जी को बाकी के चार प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले ही प्रश्न में फैसला हो चुका है। रोहित, रोहित तुमने सवाल सुना है ना? हाँ सुना, पर ये तो बहुत अजीब सा सवाल है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। एक मिनट, मैं नेट पे ढूंढता हूँ। मिल गया। अर्थ में सबसे ज्यादा वजन खुद अर्थ का ही है। तो क्या जवाब है आपका मिस्टर यम एंड मिस्टर चित्रगुप्त जी? सृष्टि में सबसे ज्यादा वजन स्वयं पृथ्वी का है। मिस्टर यमराज, क्या आप मिस्टर चित्रगुप्त के इस जवाब से सहमत हैं? क्षमा चाहते हैं किंतु हम चित्रगुप्त जी के उत्तर से सहमत नहीं हैं। वो? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा बोझ तो मनुष्य अपने हृदय में लेकर घूम रहा है, सबसे ज्यादा वजन मन के बोझ का है। हम मानते हैं कि पृथ्वी का वजन सबसे ज्यादा है किंतु वो लाभदायक, से कोई हानि कोई नुकसान नहीं पहुंचता, किंतु जो बोझ मनुष्य अपने हृदय में लेकर घूम रहा है, द्वेष घृणा ईर्ष्या क्रोध किसी गलत काम की लज्जा का बोझ, ये सारे बोझ मनुष्य के लिए मानव जाति के लिए हानिकारक है। हम आपसे यही अनुरोध करना चाहेंगे कि मनुष्य यदि इस बोझ से मुक्त हो सकते हैं तो इस ब्रह्मांड के सबसे भारी वस्तु से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अद्भुत अद्भुत प्रभु। चित्रगुप्त जी, यम है आप।
वाह, क्या जवाब दिया है आपने। चतुर्वेदी जी, क्या आप इनके जवाब के साथ सहमत हैं? बिल्कुल। बस करो, बस बस करो, बस करो तालियां यार। मामा जी बजा देंगे अभी तुम्हारे गालों पे तालियां, बहुत तालियां बजा रहे हो। तो बढ़ते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। सर, तो हमारा अगला सवाल यह है कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में सबसे ज्यादा खिंचाव किस में है, बताइए। रोहित, रोहित जल्दी आंसर सर्च करके बताओ। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, पृथ्वी में सबसे ज्यादा खिंचाव गुरुत्वाकर्षण में, ग्रेविटेशनल पुल। इस पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड का खिंचाव गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है। इसकी शक्ति से इस सृष्टि की रचना जुड़ी हुई है। मिस्टर यमराज, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम क्षमा चाहते हैं किंतु चित्रगुप्त जी से इस विषय में हमारे विचार थोड़े भिन्न हैं। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमारे विचार में जो शक्ति प्रेम के खिंचाव में है वो और किसी में नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में भी नहीं। एक माँ का अपने पुत्र पुत्री के लिए का प्रेम, एक बहन का अपने भाई के लिए प्रेम, मित्र का मित्र के लिए प्रेम, एक गुरु का अपने शिष्यों के लिए का प्रेम, इसमें जो शक्ति है, जो खिंचाव है, वो और किसी में नहीं। यदि आप चांद की ओर चले जाएं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको वापस नहीं खींचेगा, किंतु आपकी मां का प्यार, संगिनी की यादें, मित्र का स्नेह ब्रह्मांड के किसी भी कोने से आपको पृथ्वी लोक पर खींच लाएगा और वहां लाएगा जहां आपके प्रियजन रहते हैं। वाह यम सर, वाह, ग्रेट ऑफ। देखा नारद, कितने सुंदर और उचित उत्तर दिए हैं यमराज। तभी तो प्रभु यम है वो, नारायण नारायण। इतनी प्यारी बातें करते हैं ना ये हम सर। बिल्कुल सही कहा, अगर मैं चांद पर भी पहुंच जाऊँ ना तो मम्मी की याद मुझे खींच लाएगी। चुप करो यार, कभी चांदनी चौक से बाहर नहीं निकली हो, चांद पे पहुंचने की बात कर रही हो। ये जो तालियों की गड़गड़ाहट है ना, इससे मामा जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बता रहे हैं हमसे नहीं सहा जा रहा ये सब। हम तो चले भैया यहाँ से। भैया जी, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा। सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि सिर पे से बाउंसर जा रहे हैं और ऊपर से यम सर छक्के पर छक्का, छक्के पर छक्का मार रहे हैं। अब मामा जी को अपना शातिर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, सबकी छुट्टी कर देंगे अब हम। अरे भैया जी, क्या हुआ? क्या हुआ यार, तुम लोग वहां जाके ताली बजाओ ना यम सर की तारीफ में। अरे अब हमसे ऐसे क्यों बात करो भैया जी? भैया जी, भैया जी सुनिए तो। रो मत, हम भैया जी को ले आएंगे। अरे भैया जी गए बाहर में, देख के नहीं चलती, पैर दबा दिया। लेकिन सुनो, तुम लोग घबराओ मत, मैं समझ गई हूँ कि भैया जी ऐसे क्यों बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ना भैया जी हम सबसे बहुत नाराज हैं। अरे वाह, तुमने तो बड़ा अंदर की बात बता दी, तुम तो अंतर्यामी हो भाई। झेलो तुमसे कितनी बार कहे, चुप रहा करो। अभी अभी ये सब छोड़ो, चलो चलकर भैया जी को देखते हैं। हां चलो 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 चलो। अरे यार, अरे यार, अरे हटो। अरे लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि भैया जी क्यों नाराज है। तो अब अगला सवाल, तो तीसरा प्रश्न पूछेंगे हमारे तीसरे एक्सपर्ट। ओवर टू यू सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि संसार में सबसे ज्यादा ताप किसका है? सबसे ज्यादा हॉट मोनिका मैम है। बदमाश, जवाब तो तुम्हारा सही है पर ये जवाब यम सर को देने दो, वरना मैं चली जाऊं। मोनिका, जल्दी बताओ रोहित। एक मिनट में ढूंढ रहा हूं यार, मैं नेट पे ढूंढ रहा हूं, कुछ मिल नहीं रहा। एक मिनट, मिल गया। सबसे ज्यादा ताप है सूरज में। चित्रगुप्त सर बोलिए, सूरज सही जवाब है। ये तो बड़ा ये चक्कर चल रहा है, ताबड़ तोड़ खुलेआम चीटिंग चल रही है यहाँ पर हैं? और इस काम के लिए तुमने स्टोर रूम चुन लिया, औरत बंदे कर रहे हो बेटा यम सर के राज में हैं? इस दुनिया में सबसे गर्म
जिसके ताप का कोई सानी नहीं है वो है सूर्य देव। सही जवाब। अद्भुत, किंतु हम क्षमा चाहते हैं, ये उत्तर सही होते हुए भी सही नहीं। तो क्या है सही जवाब? सही उत्तर, पिता सूर्यदेव की किरणों में ताप अवश्य है किंतु वो किसी मनुष्य को जलाते नहीं है। अग्नि दो प्रकार की होती, एक वो जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं और एक वो जो आपके भीतर होती है, जो आपको हर क्षण भीतर ही भीतर जला रही होती, और वो अग्नि है क्रोध की अग्नि, ईर्ष्या की, जो मनुष्यों को दिन रात सुबह शाम जलाती रहती है। इस अग्नि को जलाना भी और उसे बुझाना भी दोनों ही मनुष्यों के हाथों में होता है। इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी सुख शांति को इस आग में जलने मत दीजिए। ईर्ष्या से, क्रोध से स्वयं को मुक्त कर दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, क्रोध और ईर्ष्या से तो बड़े बड़े राजा राजपाट समाप्त हो गए, परंतु इन अज्ञानी मनुष्यों को अब तक की बात समझ में ना आई। नारायण नारायण। नारद, इसीलिए तो यमराज गए हैं पृथ्वी पर मनुष्यों को समझाने, और आज अवश्य इनकी ये निराली बातें मनुष्यों को अवश्य समझ में आएंगी। शिका, 20% वाले भाई, ये जी आप बेटा यम सर के चमचे हो ना तुम, हैं? बहुत इंटेलिजेंट बन रहे हो तुम, मतलब मामा जी के इलाके के अंदर लोमड़ी बने घूम रहे हो फिर तुम, हैं? यहाँ पे तुम बैठ के टिपा रहे हो उन्हें, चीटिंग कर रहे हो, सब पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है, सब देख रहे हैं हम। देखना बेटा तुम्हारा क्या हाल करते हैं, ये जो तुमने हरकत की है ना, इसकी वजह से मामा जी का ऐसा बीपी बढ़ गया है यार कि उठा उठा के तुम्हारा सारा तामझाम, ये लैपटॉप सैपटॉप सब उठा के फेंक देंगे, फेल हो जाओगे, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा बे। हाँ, अरे अब यार तुम फिर आ गए हमारे पीछे पीछे खून चूसने हमारा। देखो भैया जी, आप चाहे हम पे गुस्सा करो या मार मार के हम सबका भुत्ता करो, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे हम आपकी परछाई हैं, आपके बॉडी गार्ड। हाँ भैया जी, हम आपकी पिटाई अगर आपकी नाराजगी बाय बाय कर लेंगे, हम खुशी खुशी आपकी मार खा लेंगे। भैया जी ढोलक जरा पिटाई वाला म्यूजिक बजाओ यार। हाँ, हाँ, बजाओ। बस ढोलक यार, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल कर देते हो। देखो मामा जी को अच्छा नहीं लगता तुम्हारे भैया जी को, ये सब बहुत दुख होता है यार हमें। यार देखो तुम, ये देखो क्या कांड कर रहा है यहाँ बैठा बैठा। नहीं तुम देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ बैठा बैठा के उनको सब चीटिंग करा रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप सब 50% से कम वाले। ओ हेलो, क्या बोल रहा है, 51% आए थे इस बार। सॉरी कृष्णा, पर देखिए आप सब, मैं आंसर बता जरूर रहा हूँ पर यम सर को नहीं, चित्रगुप्त सर को। यम सर जो भी जवाब दे रहे हैं वो अपने आप दे रहे हैं, और सही जवाब उनके, मेरे नहीं 23% वाले भैया जी। अरे जवाब किसी के हो, सवाल किसी के हो, उससे मतलब नहीं है। अब जो तुमने ये कांड किया है ना, इस कांड का तुम्हारी खुलेगी पोल और तुम्हारा फूटेगा भांडा। बस अब होगा ऐसा, लिख के ले लो हमसे। अब आ गया है वक्त आखिरी सवाल का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.